एक तो नींद लोग नहीं ले रहे, अभी क्वारंटाइन मोड में रात भर जाग रहे हैं, अभी जुनैद भाई से बात हो रही है, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, तो टाइम जो है ना वो आपका किल करने के लिए, तो इम्यून सिस्टम उससे भी मुतासर होता है। आगा साहब, सबसे पहले तो ये आप क्या लेकर आए हैं और ये क्यों लेकर आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आबे जमजम लेके आया हूँ। ठीक है, आज मैं लोगों को, मुसलमानों को बताना चाहता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। सही है। आज क्योंकि साइंस आजिज आ चुकी है, ये जो बीमारी वबा फैली है इससे साइंस आजिज आ चुकी है, कोई हल नहीं निकल पा रहा। लेकिन साइंस ने ही हमें इसके फ़ायदे बताए। एक जर्मन साइंटिस्ट नट फेफर ने बताया, एक दूसरा जापानी साइंटिस्ट इमोतो ने बताया, प्रोफेसर इमोतो ने क्या बताया। तमाम लोग, मेरे बहन भाई, तमाम लोग गूगल पे जाएं और लिखें जापान के साइंसदान की तहकीक आबे जमजम पे क्या है। आपको मालूम होना चाहिए कि हर बीमारी के लिए अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है। बिल्कुल इसके कुछ इस्तेमाल के राज हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो मैं जी इसके जी राज भी बताइए जी बताऊंगा। बताइए। इसके कुछ इस्तेमाल के राज हैं, लेकिन खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि ये कमाल की शिफा रखती है। हम सिर्फ पानी से तमाम बीमारियों का इसका इलाज कर सकते हैं, अपनी कुव्वत मुदाफियत को सही बूस्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट कह रहा है, इमोतो कह रहा है, प्रोफेसर इमोतो कह रहा है कि ये कुव्वत मुदाफियत को आपके बूस्ट करती है। सही तमाम अमराज की शिफा अल्लाह ने इसमें रखी है। ये बेशक मौजजाती पानी है, मैं नहीं कह रहा हूं, साइंटिस्ट साइंटिस्ट कह रहा है कि मौजजे रखती है, मौजजाती पानी है, अल्लाह का इनाम है, तोहफा है तमाम खलकत के लिए, सही है। इंसानियत के लिए। अच्छा, अब इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसमें एक तो खसूसियत यह है कि प्रोफेसर इमोतो कहता है कि अल्लाह ने इसको कुव्वत समात अता की है, सुनता है ये पानी। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रोफेसर इमोतो कह रहा है कि कुव्वत समात दी है, ठीक कुव्वत है, गोयाई दी है और कुव्वत याददाश्त दी है। ये याददाश्त भी रखता है, मतलब अब आपने इससे शिफा हासिल करनी है, मिसाल के तौर पे। और वो एक बात और कहते हैं कि अगर आप 100 लीटर पानी के अंदर भी इसका एक कतरा डाल देंगे, सबका सब आबे जमजम बन जाएगा। ये मौजजा रखता है। 8 साल पहले मुझे किसी साहब ने, मेरे दोस्त ने, ये मुझे पानी गिफ्ट किया था। आप यकीन करें, एक कतरा भी इसमें कम नहीं हुआ। ये मौजजा इसका, ना ये भाप बन के उड़ता है, मैंने जिस कमरे में रखता हूं गर्म कमरा, नहीं हुआ। अच्छा, अभी मैं इसके मौजजे बताता हूं, आप यकीन करें। एक दफा एक साहब ने मुझे फोन किया कि आगा साहब, गुर्दे में शदीद दर्द है और पथरी की वजह से, लेकिन मैं सब दवाइयां खा रहा हूं, फायदा नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मैं बहुत आजीज आज जईफ आदमी थे। मैंने कहा आप ये करें कि आप आबे जमजम निकालें और उस पर 41 मरतबा, 41 टाइम सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह अलहम्द पढ़ें, साउंड के साथ पढ़ें। कहने के साउंड के साथ क्यों, मैंने कहा सुनता है ये, सही। मैं नहीं कह रहा हूं, साइंसदान कह रहा, सुनता है। उन्होंने साउंड के साथ पिया, थोड़ी देर पीने के बाद उन्होंने 1 घंटे के बाद मुझे फोन किया, कहने लगे आगा साहब ये क्या है ये। मैंने कहा ये मौजजा है। उनका दर्द खत्म हो गया, 10 या 11 दिन के बाद उनकी पथरी रेत की तरह से यूरिन के जरिए पास हो गई, खत्म हो गया। सही। एक दफा एक साहब ने मुझे फोन किया, कहने लगे साहब मुझे सांस का मर्ज है, मैं क्या करूं। उनके भांजे ने मुझे फोन किया, मैंने कहा भाई आप ये करें, आप जमजम पिए। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने पिया। उनके चचा उससे पहले मुझे फोन कर चुके थे, क्या करें, उनको भी मैंने बताया, उनको फायदा नहीं हुआ, उनको यकीन नहीं था इस पर, उनको फायदा नहीं दिया। अच्छा, सही भांजे बात को है, यकीन था, भांजे ये को तो यकीन आया ही था, यकीन की बुनियाद उनका पे सांस ना। का मर्ज चला गया। अच्छा, मैं अपना वाकया एक सुनाना चाहता सही। हूं। 2015 में मुझे शदीद खांसी शुरू हुई, मैंने अपने तमाम नुस्खे इस्तेमाल किए, ठीक हो जाता फिर बीमार हो जाता, ठीक हो जाता फिर खांसी। मैंने एलोपैथिक दवाई भी, होम्योपैथिक सब करके देखा, नहीं हुआ फायदा। जी। अब यकीन करें, मैंने ये पानी निकाला, रात के कोई 12 बजे पानी निकाला और मैंने सूरह फातिहा 70 मरतबा पढ़ी। इस पर 70 मरतबा पढ़ने के बाद मैंने इससे कहा, तुझे मैं वास्ता देता हूं रसूल अकरम सल्लल्लाहु सही। अलैहि वसल्लम का, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मैं खुदा की कसम खाता नहीं हूं, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि वो दिन है, आज का दिन है, मेरी खांसी वो दोबारा पलट के दोबारा क्या नहीं आई।